विरासत के प्रति हम सब का क्या भाव होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको इस बात का एहसास करा रहा है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भव्यता के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। इस क्रम में प्रभात फेरी हो, तिरंगा यात्रा हो, या 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को पहुंचाने का कार्यक्रम और हर घर पर तिरंगा, भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लगाने का कार्यक्रम, ये केवल एक सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आम जन की सहभागिता से राष्ट्र उत्सव का एक कार्यक्रम बने, जहां आजादी का अमृत महोत्सव का यह पर्व हम सबको देश की आजादी के लिए बलिदान होने वाले ज्ञात और अज्ञात उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और नमन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी 25 वर्षों का एक अमृतकाल पूरे देश के लिए तय किया है कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय का भारत हमारी परिकल्पना का कैसा होना चाहिए, ये हम सब की सामूहिक ताकत का परिणाम होगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा तो उसके उसी प्रकार के सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और याद रखना कि अतीत को विस्मृत करके कोई भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। अपने अतीत की गौरवशाली क्षणों को स्मरण करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, गलतियों का परिमार्जन करते हुए आगे बढ़ने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने एकत्र हुए हैं। यह विधान भवन उत्तर प्रदेश की विधायिका का स्तंभ है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि इसी भवन में आकर के उत्तर प्रदेश के विकास की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और उससे जो अमृत निकलता है वो अमृत उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, एक नई प्रेरणा और प्रकाश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके सामने एक नई कार्य योजना हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और आज हम विधान भवन के सामने एक डायनेमिक फसाड लाइटिंग के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है कि विधान भवन निर्माण की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई थी तो वह 1922 की तिथि थी, आज हम 2022 में यहां एकत्र हैं। इसी विधान भवन में विधान परिषद का पहले गठन होता है, फिर जहां विधानसभा वर्तमान में संचालित हो रही है वह पहले विधान परिषद के रूप में, फिर 1937 में विधानसभा वहां पर संचालित विधिवत प्रारंभ हुई और आज देश ही नहीं दुनिया के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 1,10,000 गांवों में निवास करने वाली, 700 से अधिक नगर निकायों में निवास करने वाली 25 करोड़ जनता के भाग्य के लिए हमें कुछ कर गुजरने और उसकी कार्य योजना को बनाने का अवसर इसी पवित्र स्थल पर, इस विधान भवन के अंदर ही हमें उस प्रकार की कार्य योजना को बनाने का अवसर प्राप्त होता है, उस प्रकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और इस विधान भवन की इस कार्य योजना को इस वर्ष ई विधान के साथ भी जोड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। विधान भवन के इस कार्यक्रम में इस बार ई विधान को आगे बढ़ाने के लिए
लोकसभा के माननीय अध्यक्ष एवं बिरला जी स्वयं पधारे थे और आजादी के अमृत महोत्सव ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ था। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन भी है, अपनी विरासत की स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक पावन आयोजन भी है और आज हम उत्तर प्रदेश विधायिका के इस पवित्र स्थल को डायनेमिक फसाद लाइटिंग के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि प्रतिदिन यानी आज से लेकर के 17 अगस्त तक सायंकाल 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच 10-10 मिनट के अंतराल में यहां पर हम लोग वंदे मातरम के गायन के साथ एक बेहतरीन फसाद लाइटिंग के कार्यक्रम को, लाइट एंड साउंड का एक बेहतरीन कार्यक्रम भी यहां पर देखने का अवसर लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को और लखनऊ आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। ये एक शुरुआत की गई है। इसके बाद हम लोक भवन में इसी प्रकार की डायनेमिक फसाद लाइटिंग के साथ जुड़ेंगे। सचिवालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऐसे स्थल होंगे उनको जोड़ेंगे। प्रदेश भर के जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल होंगे जिन्होंने देश की आजादी में एक नई प्रेरणा दी, शहीद स्मारक होंगे, उन सब पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हमें आगे जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यही विधान भवन है। 1937 में जब विधानसभा की कार्रवाई इस विधान भवन से जब विधिवत प्रारंभ हुई थी, उस समय के कोई भी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे जिन्होंने इस विधान भवन में आकर के उत्तर प्रदेश की आजादी की उस अगुवाई को, नेतृत्व देने का कार्य न किया हो। यही भवन है जिसने देश की आजादी के लिए उस समय देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जज्बे को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उन्हें एक मंच भी प्रदान किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको देश की आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अभी से अग्रिम बधाई देता हूं और आजादी का अमृत महोत्सव इस बार पूरी भव्यता के साथ इसी स्थल पर हम लोग 15 अगस्त को यहीं पर आयोजित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस डायनेमिक फसाद लाइटिंग कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में प्रारंभ होने जा रहा है, आप सब इसका आनंद लेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, फसाद लाइटिंग का बटन दबाकर लोकार्पण करें और साथ में प्रदर्शन कार्यक्रम भी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, बटन दबाकर फसाद लाइटिंग का शुभारंभ हो रहा है। ये देखिए तिरंगे को, गुंबद को भव्य और शानदार दृश्य है आपके सामने। शानदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत हो, बेहतरीन। शानदार परिदृश्य है, बहुत ही सुंदर।
काम है।